नमस्कार, मैं नेहा मोदी और आप देख रहे हैं स्टार सिटी 24। हौसले अगर बुलंद हो तो शारीरिक अपंगता कहीं आड़े नहीं आती। इस पूरे वाक्य को चरितार्थ कर रहे बोकारो की दृष्टि बाधित शिक्षिका नफीस तरीन, इन्होंने अपनी शारीरिक अपंगता को मजबूरी ना समझकर अपना स्ट्रेंथ बनाया। और शिक्षिका नफीस तरीन अपने जिंदगी में व्याप्त अंधेरे रूपी दानों का वध कर बच्चों के बीच शिक्षा का अलख जगाते हुए उनके जीवन में प्रकाश फैला रही है ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो सके। मेरा नाम जीनत सरवरी, मैं कर्मटार से आती हूँ। ये बताइए कि मैम आपकी कक्षा में पढ़ा रही हैं अभी और इनकी आंखें नहीं हैं, दृष्टि बाधित हैं, क्या वहेंगी और कैसा जज्बा लगता है इनको जो पढ़ाते हुए देख के आपको क्या सीख मिलती है? यही सीख मिलता है कि जब मैम मैम का आँख नहीं, फिर मैम आँख से देख नहीं सकते, तो मैम यही हौसला देती है कि जब हम कर सकते तो तुम लोग क्यों नहीं कर सकते। जब हम इतना दूर अपना पेड़ पे खड़ा है तो तुम लोग भी तो खड़ा हो सकते। पढ़ो, आगे बढ़ो, अपना माँ बाप का नाम रोशन करो और कुछ बन के दिखाओ। और मैम पढ़ाती तो बहुत अच्छा से समझ में आता है, और मैम जब क्लास में आती तो सब शांति से मैम का बात ध्यान से सुनता है, फिर अच्छा से सब पढ़ता भी, और मैम क्वेश्चन करती उसका जवाब भी दे देते हैं। ये चीज़ देख रहे हैं हम अभी पढ़ा रही थी मैडम को, yes, बच्चों के नाम से पुकार ले रही थी, कोई भी कुछ बोल रहा था, तो yes, ये कैसे कर पाती है मैडम? ये मैम डेली जब हम लोग क्लास आते तो मैम का आवाज़ मैम आवाज़ से और उसका नाम सब याद रखती है उसी को। मैम को किसी से भी क्वेश्चन करने का रहता है तो मैम उसको बुला के क्वेश्चन कर लेती है, फिर सब लोग जवाब दे देता है, अपना अपना क्वेश्चन करती है, जिससे जवाब दे देती है। और यही सीख मिलता है कि मैम हमेशा बोलती है कि जब हम कर सकते तो तुम लोग क्यों नहीं कर सकते। जब हम इतना दूर पढ़े, इतना दूर आगे बढ़े, तुम लोग भी अपना माँ बाप का नाम रोशन करो, पढ़ो और कुछ बन के दिखाओ। लिपि से पढ़ाती हैं और कैसे ज्ञान देती हैं इन बच्चों को? तो हम ब्रेल लिपि से पढ़ाते हैं, सिलेबस वही है लेकिन हम ब्रेल लिपि से पढ़ाते हैं। दिल्ली देहरादून से किताब मंगाए हैं अपने लिए पढ़ाने के लिए बच्चों को। महिला दिवस पर क्या संदेश देंगे महिलाओं को, बच्चों को? महिलाओं को और बच्चियों को यही संदेश देंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में सब लोग आगे बढ़ें और जितनी भी महिलाएं हैं अपनी बच्चियों को पढ़ाएं, क्या सही गलत है उनको अच्छे संस्कार दें, उनके अधिकारों के बारे में बताएं कि किस तरह से तुमको अपने अधिकार को हासिल करना है, अगर तुम्हारे साथ गलत हो रहा है तो किस तरह से तुमको उसके खिलाफ आवाज़ उठाना है ना, अपने हक के लिए बोलना आना चाहिए। कुछ बच्चियाँ हैं कि बहुत कम ही बोलती, इस क्लास में ही बहुत कम बोलती हैं कुछ बच्चियाँ, तो उनको एक कॉन्फिडेंस उनके अंदर दिलाना चाहिए कि किसी के सामने भी वो बोल सकें, अपने अंदर की बात कर सकें, जो उनके अंदर प्रतिभा है, क्योंकि कुछ लोगों के अंदर बहुत सारी प्रतिभाएं हैं लेकिन उसको वो दूसरों के सामने दिखाना नहीं चाहती, तो अपने प्रतिभाओं को दूसरों के सामने उजागर करें। यही हम सबको आज महिला दिवस के दिन संदेश देना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात है कि शिक्षिका नफीस करीम उन लोगों के लिए एक मिसाल है जिसके पास सब कुछ रहते हुए भी, शारीरिक रूप से सुदृढ़ होते हुए भी अपने आप को कोसते रहते हैं और कुछ नहीं कर पाते, या वैसे लोग जो शारीरिक रूप से शरीर के किसी अंग की अपंगता के कारण निराश हो जाते हैं और उसे पूरी ज़िंदगी अपनी कमजोरी मानकर बिता देते हैं। नफीस तरीन बचपन से ही दृष्टिबाधित है और वह बोकारो जिले के रानी पोखर पंचायत स्थित उत्क्रमित उच्च विद्यालय में सहायक शिक्षिका के तौर पर कार्यरत है, जहां वो ब्रेल लिपि के माध्यम से बच्चों को हिंदी की शिक्षा देती है। शिक्षिका नफीस तरीन 2015 में सहायक शिक्षिका के रूप में उत्क्रमित उच्च विद्यालय रानी पोखर में ज्वाइन किया। तब से लेकर आज तक उच्च विद्यालय में वह बच्चों के अंदर शिक्षा का अलख जगा रही है। दृष्टिबाधित होते हुए भी अपनी इस कमी को कभी भी बच्चों की पढ़ाई में आड़े नहीं आने दिया गया। वह बीएड की पढ़ाई कर स्कूल में अपना योगदान दे रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने ब्रेल लिपि में कुरान भी लिखा है। इस ब्रेल लिपि में कुरान लिखने के कारण पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड रघुवर दास ने उन्हें सम्मानित भी किया है, जिसकी तारीफ और चर्चा पूरे जिले में है। यहाँ इस स्कूल में उनके साथ सहकर्मी शिक्षिका भी कहती है कि हम लोगों के बीच कभी महसूस ही नहीं होती कि दृष्टिबाधित है। वह यहाँ पर अपना काम खुद ही करती है और घर में भी अपना काम कर लेती है। वह हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है। वहीं स्कूल के बच्चे भी कहते हैं कि हमें पढ़ाई में कभी दिक्कत नहीं होती, मैडम अच्छी तरह से हमें पढ़ाती है और एक एक चीज़ बारीकी से समझाते हैं, और उनको देखकर हमें काफ़ी मोटिवेशनल सपोर्ट मिलती है। बोकारो से नरेश कुमार की रिपोर्ट। क्या नाम है मैडम आपका?
मेरा नाम हुआ अर्चना कुमारी विश्वकर्मा, मैं भूगोल की सहायक शिक्षिका हूँ। ये बताइए, आपकी एक शिक्षिका है, साथ में सहपाठी है जो कि दृष्टिबाधित है और बच्चों को यहाँ शिक्षा देती है, हाँ। क्या कहेंगे आप और कैसा लगता है उनकी पढ़ाई और उनके साथ आप लोग यहाँ पे कार्यरत हैं? हाँ हाँ हाँ, कैसा लगता है उनका जज्बा देखकर? बहुत अच्छा लगता है, वो लगता ही नहीं है कि वो दृष्टिबाधित है, वो अपना हर काम खुद करती है और स्कूल में ही नहीं वो घर में भी अपना सब काम खुद ही करती है और उनको देख के हम लोग को बहुत प्रेरणा मिलता है, मतलब बहुत अच्छा लगता है, वो इंस्पिरेशन है एक्चुअली। और हम तो इनके पेरेंट्स को भी क्रेडिट देना चाहेंगे कि वो इनको इस मतलब इस लायक बनाए कि वो आज अपना काम सब कुछ खुद ही कर पा रही है। क्या कहना चाहेंगे आप, क्या संदेश देना चाहेंगे, चूँकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, उसमें क्या कहना चाहेंगे? कि इनको देख के सभी लोग सीखे कि कोई भी चीज़ अगर हमारे पास हमारे पास उसका अभाव है तो हमको उस चीज़ को अपना शक्ति बनाना चाहिए, वो हमारा एक प्रेरणा, उस चीज़ से हमको आगे बढ़ना चाहिए कि वो हमारे लिए वो हमारा स्ट्रेंथ है, वो एक्चुअली हमारा वीकनेस नहीं, वो हमारा स्ट्रेंथ है। ठीक है, जो नफीस तरीन मैडम है, जैसा हमें पता है कि दृष्टि बाधित है और ये जिस तरीके से आपको शिक्षा दे रही हैं और इनका जो हौसला बुलंद है, आप क्या सीख लेती हैं इनसे और क्या कहेंगी? कितना समझ पाती हैं आप? कभी भी अपने कमी का मतलब दुरुपयोग नहीं करना चाहिए कि हम मतलब मेरे पास ये कमी है तो हम पढ़ेंगे नहीं, हम ये काम नहीं करेंगे, मतलब उसका हमेशा हम लोग को मतलब एक नहीं होता पावर टाइप का यूज़ करना चाहिए कि ये है तो बस हमको करना है, हमको पढ़ाई करना, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करना है, हमको अपना कोई इमेज बनाना है इस जगह पर, और ऐसे अपना मतलब जो भी मतलब काम है जो सोचे हैं कि ये हमको आगे चलकर करना है तो वो कंप्लीट करना। कैसा लगता है मैडम जब कक्षा में आती हैं और पढ़ाती हैं? मैम जब पढ़ाती है तो पता नहीं चलता है कि मैम को दिखाई नहीं देता है, मैम पूरा अच्छे से तरीके से पढ़ाती है और अगर कुछ क्वेश्चन पूछते हैं तो उसका आंसर बताती हैं, एंड जो भी मतलब चैप्टर है चैप्टर पढ़ाती हैं, ब्रेल स्क्रिप्ट से पढ़ाती है, बट हम लोग को सब बताती भी हैं और स्पेलिंग ये सब जो भी मिस्टेक होता है वो सब बता देती है। आपको पहचानती कैसी हैं यदि कोई? मेरी आवाज़ के कारण पहचान लेती है। हाँ, क्लास में जब जवाब पूछती हैं मैडम किसी बच्चे से तो कैसे पूछती हैं और कैसे आप लोग को पहचानती हैं मैडम? हम लोग का नाम याद है मैम को और फिर हम लोग का आवाज़ जो है उससे मतलब वो हम लोग को पहचान जाती है कि ये बोल रही है, मतलब ये आंसर दे रही है, क्वेश्चन पूछ रही है वो सब के। तो बच्चे चीटिंग नहीं करते हैं मैडम को, जैसे दिखता नहीं है तो बच्चे ऐसा तो नहीं है कि मैडम पढ़ा रही है लिखते नहीं है, चीटिंग करते हैं ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, जैसे ऐसा होता है तो फिर मॉनिटर सर क्लास के। अच्छा, मैडम फिर कैसे हैंडल करती है? मैम हैंडल कर लेती है, मैम सबको शांत करा लेती है और फिर मैम बताती है कि अगर तुम किसी को धोखा दे रही हो तो उससे तुम अपने आप को ही धोखा दे रही है, अगर तुम नहीं लिख रही हो तो इसका मतलब तुम अपने आप को धोखा दे रही है, हमको नहीं, तुम नहीं लिखेगी, अभी तुम्हारा एग्जाम आ रहा है तो तुम नहीं लिख पाएगी आंसर क्वेश्चन वही सब। बाधित है, यहाँ तक पहुँचने में कितना आपको जो है कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और कैसे आप प्रेरित होकर पहुँची यहाँ तक? बचपन में तो कुछ पता ही नहीं था कि स्कूल है या कुछ भी मेरे पापा को, लेकिन फिर बाद में जैसे प्लांट में काम करते थे एक जन, तो वहाँ की उनकी जो बहन थी वो बनारस में जीवन ज्योति स्कूल में प्रिंसिपल थी, तो उसके माध्यम से पापा को पता चला स्कूल, तो फिर वहाँ मतलब बहुत छोटी उम्र में 5 साल की ही उम्र में हमको वहाँ डाला गया, जिस समय बच्चों को ढंग से अपना ज़रूरत का काम भी करने नहीं आता है तो सब लोग मतलब सोच रहे थे, बोल रहे थे मेरे पापा को कि हाँ इतने छोटे में ही भेज दे रहे हो तुम, तो उसको प्यार नहीं करते ये वो, लेकिन पापा ये सब किसी की बात नहीं सुने, वो वहाँ हमारा दाखिला करवा दिए और फिर वहाँ हम इंटर तक पढ़ाई किए और सारी जैसे अभी क्या है इन बच्चों को किताब मिल गया खोल के पढ़ लिए, है ना, तुम लोग ऐसे ही करते हो ना, किताब मिल गया खोल के पढ़ लिए, लेकिन हमको क्या है लिखना पड़ता था उस किताब को, पहले लिखने के बाद फिर याद करना पड़ता था, तभी हम कहते हैं इन लोगों को कि पहले तुम लोग को क्या है किताब मिल जाता खोल के पढ़ सकते हो फिर भी तुम लोग नहीं पढ़ती हो, मेरे जैसा पढ़ना होता तब तुम लोग क्या करती, क्योंकि हम लोग को पहले नोट्स बनाना होता था उसके बाद, अभी क्या है प्रिंट बुक में तो सारा क्वेश्चन आंसर मिलता है, हमको क्या है कि लिखना पड़ता था, तो हॉस्टल में क्या है कभी किसी से रिक्वेस्ट करो, छोटे क्लास में तो नहीं दिक्कत हुआ लेकिन बड़े क्लास में जब बाहर जाने लगे तो कुछ बच्चे अच्छे फ्रेंड बने, कुछ नहीं, कुछ लोग लिखवा देते थे कुछ लोग नहीं, मतलब कुछ सपोर्ट करते थे कुछ नहीं, तो नहीं सपोर्ट करने पर भी थोड़ा दिक्कत बुरा तो लगता था, फिर इंटर के बाद फिर यहाँ आए इंटर तक, तो फिर यहाँ थोड़ी दिक्कत हुई क्योंकि टीचर्स को कॉलेज में मालूम नहीं था कैसे पढ़ाना है हमको, कैसे डील करना है, 2005 में महिला कॉलेज में एडमिशन हुआ,
उसके बाद फिर महिला कॉलेज में तो उतना क्लास नहीं किए, लेकिन सिटी कॉलेज में तो क्लास करना पड़ा क्योंकि बीएड में तो ज़रूरी होता है क्लास करना। तो वहाँ की टीचर्स पहले बोली कि बोर्ड पे लिखती थी, फिर हमको उनको बताना पड़ा कि नहीं मैम आप बोर्ड पे मत लिखिए, नहीं तो हम नहीं लिख पाएंगे, आप बोल करके लिखवाइए, डिक्टेशन दीजिए, तभी हम लिख पाएंगे। तो फिर धीरे धीरे टीचर लोग भी समझ गए, फिर उनका सपोर्ट मिला और ब्रेल में ही सारा नोट्स बना बना कर लिखना पड़ता था, और मतलब शाम को लिखते थे और रात भर पढ़ाई करते थे, सोने का बिल्कुल टाइम नहीं, मतलब दो चार घंटे ही, क्योंकि जब नोट्स लिखेंगे तभी तो याद करेंगे ना, इन बच्चों जैसे तो नहीं कि किताब खोल लिए और पढ़ लिए। और नोट्स हमारे पापा ही हमको लिखवाते थे शाम में, वो ड्यूटी करके आते थे प्लांट से और फिर बैठ जाते थे हमको नोट्स लिखवाने के लिए, वो आराम नहीं करते थे कि हम थक कर आए हैं तो हम आराम करेंगे, नहीं वो हमको नोट्स लिखवाते थे। और कुछ ट्यूशन भी किए बाहर के। कैसे पढ़ाते हैं आप बच्चों को? बच्चों को तो जैसा कि अभी आप लोग देख ही रहे थे उसी तरह से पढ़ाते हैं, उनको हमेशा ज्ञान देते हैं कि तुम लोग अच्छे तरह से पढ़ो, जब हम कर सकते हैं तो तुम लोग भी कर सकती हो, और तुम लोग के आसपास भी अगर कोई ऐसा है तो हमको आकर के बताओ कि मैम ऐसे बच्चे को हम देखे हैं तो उसके लिए हम कुछ करेंगे,